लेंगे या बैटिंग लेंगे और ये सिक्का उछलने को तैयार। सिक्का उछाला शरफुद्दीन ने और टॉस जीता है समीर रोरिंग लायंस ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मौके की नजाकत को पहचाना, ये सुबह का वक्त है, इसमें आप टॉस जीत कर बल्लेबाजी ही करना पसंद करेंगे। ये सेकंड मैच नहीं है, ये सुबह का मैच है और हवाओं के रुख को देखा, मौसम को देखा और टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भाई मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर कोई स्कोर करने वाले हैं ग्राउंड के अंदर में तो वो आए स्कोरिंग के लिए। बहुत मेहरबानी होगी। रूपुरा राजा रबे जल्दी आस ठीक है अच्छी तम पाकर अमान जल्दी फील्ड सेट करो भाई, टाइम होगा। जल्दी फील्ड सेट करने की दरखास्त है, मैच जल्दी शुरू किया जाए। और ये आप देख रहे हैं फील्डर मैदान में, समीर रोरिंग लायंस ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शब्बीर वॉरियर्स करेंगे फील्डिंग, फील्ड सजाई जा रही है।
मैदान में मौजूद 11 खिलाड़ी आप 12वां नहीं रख सकते। 12 ओवर का मैच, 3 ओवर का पावर प्ले, सिर्फ 2 खिलाड़ी ही सर्कल और दायरे के बाहर रहेंगे। आज का दूसरा मैच दोपहर 2:30 बजे से लाइव इसी मैदान पर आप देखेंगे, 2 बजे से इसी मैदान पर आप देखेंगे सुभान सुल्तान वर्सेस मुन्ना रॉयल राइडर्स के बीच। सुभान सुल्तान अपने 2 मैच खेलकर बदकिस्मती से दोनों मैच गंवा चुकी है, अच्छा खेल खेले दोनों मैच में और यहां पर मैच स्टार्ट होने को है। फील्डरों से गुजारिश प्लीज, बैट्समैन मैदान पर आ चुके हैं, अंपायर और आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। बैटिंग में तब्दीली, मौसम तो ओपनिंग करते ही है अपनी टीम की तरफ से धुआंधार बल्लेबाज और आज कुछ अलग ही रणनीति के साथ उतर रहे हैं। कल का पिछला मैच ये टीम हार कर मैदान में आज अपना तीसरा मैच खेलने उतरी है और साथ में उनके मौसम के साथ नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग संभालेंगे आसिफ, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। अब अगर कोई यूनुस खान का कोई फैन है जो उन्हें बहुत पसंद करता है और उन्हें लाइव अब नहीं देख सकता, उनकी बदकिस्मती उन्होंने रिटायर ले लिया, लेकिन यहाँ पर यूनुस खान मौजूद हैं, आप लाइव उन्हें देख सकते हैं और उनकी बल्लेबाजी से लुत्फ अंदोज हो चुके हैं। यूनुस खान, आसिफ मलिक, और ये पहला हुआ मुश्ताक की पहली गेंद, और पहली ही गेंद पर गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, अच्छा शॉट मोहसिन के बल्ले से और ये ब्यूटी बैंक चौका मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ। पहली गेंद चार और ये दूसरी गेंद, अपील कोई फर्क नहीं, अच्छी गेंद ऑफ लेग की तरफ पड़ी, ऑफ की तरफ गई कटर, बेहतरीन अच्छी गेंदबाजी करते हैं राजा मुश्ताक, अगली गेंद के लिए तैयार और ये गेंद की तीसरी गेंद और उसे खेला है लेग की दिशा में, गेंद फील्डर के पास गई और उसे कलेक्ट किया, वापस दिया बॉलर के हाथ में, इसी के बीच एक रन चुराने में कामयाब मोहसिन। सामने आसिफ, पहली गेंद और उठाकर के मारा है, जी हाँ ये कैच हो गए पहली गेंद पर और ये 3 ओवर का फायदा उठाना चाह रहे थे और शॉट भी अच्छी थी, बल्ले पे ठीक से कलेक्ट नहीं हो पाई और बदकिस्मती से इसका शिकार, एक अच्छी विकेट, पहली सफलता शब्बीर वॉरियर्स को, मुश्ताक की गेंद पर आसिफ आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए, अच्छा कैच लपका जबकि 2 ही फील्डर ग्राउंड के बाहर थे और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में गई, ना 1 इंच उधर ना 1 इंच इधर और ये पहली विकेट। और ये पहली विकेट समीर रोरिंग लायंस की, मुश्ताक की अच्छी गेंद, लेग ब्रेक करते हैं,
सामने सेट नए बैट्समैन, फील्ड सेट करते हुए अपनी गेंदबाजी के हिसाब से। ओहो, और ये लेग साइड पर डाली गई गेंद और एम्पायर का इशारा वाइड। इस अतिरिक्त एक रन और जोड़ेंगे इजाफा स्कोर 6 रन। और गेंद अच्छी थी, खेलना चाह रहे थे लेकिन एक ही रन इनको ले पाए, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी रनिंग विकेटों के बीच में और अपना अपनी आखिरी गेंद लेकर चलेंगे मुश्ताक, ख्वाजा मुश्ताक, भाई भाई टू भाई, एक भाई बॉलर, एक भाई बैट्समैन, अच्छी बैट्समैन। और ये दोनों के बीच तालमेल की कुछ कमी नजर आई लेकिन इसी के बीच रन मगर पूरा कर लिया, एक रन चुराने में कामयाब। और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म। अब देखना यह है कि दूसरा ओवर किसको दिया जाता है, क्योंकि पावर प्ले के अंदर में गेंदबाजी करना बहुत ही दिल जिगर की बात है कि कोई पावर प्ले में गेंदबाजी करे। गेंदबाज वही है जो पावर प्ले में अपनी गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करे। क्या बात है, पहला ओवर 8 रन देकर 1 विकेट लिया मुश्ताक, ख्वाजा मुश्ताक ने। आप गेंदबाजी के लिए आपके सामने नजर आएंगे शेरू, ये भी काफी अच्छे गेंदबाज हैं। अपनी गेंदबाजी में काफी उतार चढ़ाव, स्लो स्पीड, बाउंस, लेग और हर तरीके की गेंद ये करते हैं, बल्लेबाजों को काफी चकमा देते हैं। लेंथ और लाइन काफी अच्छी, सामने में मौसम। और ये पहली गेंद वाइड करार दी जाएगी और एक और इजाफी रन, स्कोर पहुंचा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये अपनी पहली गेंद और फिर से और मिस फील्डिंग हुई मुश्ताक से। कोशिश कर रहे थे गेंद को पकड़ने की लेकिन गेंद उनके हाथों से चटक गई, काफी नाखुश अपनी फील्डिंग से। और इसी के बीच एक रन लेने में कामयाब, अच्छी दौड़ लगाई दोनों बैट्समैनों ने, आपस में अच्छा तालमेल, एक रन चुराया। ओहो, बेहतर लाइन, मैं इसी लाइन की बात कर रहा था। चकमा देते हैं, काफी चतुर है, चालाक है, चुस्त है, अय्यार है मगर मक्कार नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी और ये जी नहीं, लेना चाह रहे थे रन मुश्ताक की, अच्छी फील्डिंग और रन बचाया, एक एक रन 12 ओवर में काफी कीमती है। और ये बेहतरीन गेंद, इसको उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, जबरदस्त हिट लगाया इन्होंने और गेंद इनके बल्ले से निकली, एक और ड्रीम वर्ल्ड चौका। अच्छी गेंदबाजी, ये पावर प्ले है, आप जितना रन बटोर सके इन्हीं 3 ओवरों में आपको बटोरना होगा। और ये गेंद अच्छी गेंद और ये और ये कैच लपक सकते थे। अच्छी गेंदबाजी शेरू की, चकमा किया बैट्समैन को। और ये शॉट गेंद और उसे खेल दिया है
गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर और फील्डर उसे कलेक्ट करने में नाकाम और यह रोग इनफील्ड चौका निकलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है। सैफ के बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दो ओवर का खेल मुकम्मल पावर प्ले का। अब ये तीसरा ओवर लेकर आए हैं फिर से ख्वाजा मुश्ताक। सामने में धुआंधार बैट्समैन मोहसिन, ये पावर प्ले में अच्छा रन बनाना जानते हैं जी। ये बीट किया और अपील जबरदस्त, लेकिन वहां पर खड़ा कौन है? यूसुफ, जिन्हें काफी ज्यादा अनुभव है। और ये गेंद, अच्छी गेंद और खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद ने दायरा ही पार नहीं किया, इस वजह से कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर ख्वाजा मुश्ताक। अगली गेंद मोहसिन को और ये मोहसिन ने खेला है और वहां पर फील्डिंग हो सकती थी, अच्छी फील्डिंग हो सकती थी लेकिन मिस फील्ड हुई और मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ जस्ट ब्यूटी चौका। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद मुश्ताक की मोहसिन को, एक भाई दूसरे भाई को गेंदबाजी करते हुए, क्या नजारा है, अजीब मंजर। बाहर रिश्तेदारी, मैदान में कोई रिश्तेदारी नहीं। और ये गेंद उठाकर दे मारा है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये फलक ठोस छक्का, गगन चुंबी छक्का, सन लोरियल पहला छक्का मोहसिन के बल्ले से। और ये गेंद बाहर चली गई है, गेंद लाने की कोशिश। अब देखना ये है एम्पायर फैसला क्या करते हैं, नई गेंद या पुरानी गेंद, क्योंकि अभी पावर प्ले खत्म नहीं हुआ, 3 ओवर मुकम्मल नहीं हुए। और शुक्र है बॉल वापस मैदान में, बॉल वापस मैदान में, जिस गेंद से गेंदबाजी हो रही थी आपको उसी गेंद से गेंदबाजी करनी है, गेंद आप तब्दील नहीं कर सकते। अच्छी बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी, पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए ख्वाजा मोहसिन। अभी नो बॉल हो जाती बहुत ही। और ये अगली गेंद फ्लाइटेड, उसे उठाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद गई नहीं और हल्का सा किनारा लगा, गेंद रह गई दायरे के अंदर ही, एक रन लेने में मगर इसी बीच कामयाब। इस एक रन के साथ 29 रन, 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। और अपनी आखिरी गेंद मुश्ताक की, आखिरी गेंद आखिरी गेंद डाली थी और ये कितनी अच्छी फील्डिंग हुई है वहां पर, बेहतरीन बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का, सारे फील्डर ताली बजाते हुए इस फील्डिंग की सराहना करते हुए इसी के साथ एक रन लेने में कामयाब हुए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 30 रन एक विकेट के नुकसान पर, पावर प्ले खत्म अपने इख्तिताम को पहुंचा, समाप्त हुआ। पावर प्ले में 30 रन बनाए हैं समीर रोरिंग लाइंस ने। ये काफी सम्मानजनक स्कोर है, ठीक है, अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है।
धीरे धीरे टीम अपने फाइटिंग स्कोर की तरफ जाते हुए और फील्ड फैला दी गई। दायरे के अंदर में 6 फील्डर मौजूद हैं और अगला ओवर शुरू का और ये फ्लाइटेड बॉल, हल्की बॉल हल्के हाथों से डाली गई और ये रन आउट हो सकते हैं। देखना है रन आउट है, जी हाँ ये रन आउट मिस्टेक, तज़ब्ज़ुब का शिकार। दोनों बैट्समैन आपस में तालमेल बिल्कुल भी सही नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही खराब हुई इस वक्त यहाँ पर और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा बैट्समैन को और ये रन आउट हुए। अच्छी फील्डिंग की वहां पर, रन आउट होकर वापस जाते हुए 30 रन के स्कोर पर। पावर प्ले खत्म होते ही दूसरा विकेट गिरा। बूझ वाले बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। उतना कोई ताबड़तोड़ शॉट नहीं खेलते लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ जैसी गेंद वैसी बल्लेबाजी। सारे फील्डर तैनात, अगली गेंद के लिए तैयार। शब्बीर काफी परेशान, फील्डर को सजाते हुए अच्छी फील्डिंग लगाई है यहाँ पर। अगली गेंद शुरू की, मुश्किल को क्या ये गेंदबाजी कर रहे हैं एकदम चालाकी के साथ। और ये मिस फील्ड, और ये मिस फील्ड, जी हाँ ये मिस फील्ड हो चुकी है। गेंद को पकड़ना चाहिए था लेकिन गेंद चाहिए है बाउंड्री लाइन के बाहर। गो प्लैनेट चौका निकलता हुआ मोहसिन के बल्ले से। कोई मारना नहीं चाह रहे थे, सिंगल की तरफ जा रहे थे लेकिन सिंगल ही हो सकता था, फील्डिंग वहां पर बनती थी लेकिन मिस फील्ड हुआ और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। एक रन की जगह में 3 रन का इजाफा, 4 रन वहां पर लगाए मोहसिन ने। अच्छी बल्लेबाजी। फिर से उसी तरीके की गेंद और गेंद गई फिर से सीमा रेखा के बाहर। एशियन कंस्ट्रक्शन चौका निकलता हुआ मोहसिन के बल्ले से। बहुत ही चालाकी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन मोहसिन भी बल्लेबाज को पढ़ने में कोई गलती नहीं करेंगे। अच्छे से रीडिंग इनकी बहुत अच्छी। जी जी, फिर पढ़ा, पढ़ लिया बल्लेबाज को, हाथ को देख लिया कि गेंद कैसे पड़ने वाली है और इसको उठाकर दे मारा है ऑफ साइड की तरफ। जीजे इंटरप्राइजेज चौका, जबरदस्त बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी। हमारी हिम्मत की परखने की गुस्ताखी ना कर, पहले भी कई तूफान के रुख मोड़ चुका हूं। मोहसिन अगली गेंद, अब गेंद में थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत और ये फिर से हो सकता है नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों के दरमियान में अच्छी दौड़ और एक रन लेने में कामयाब हो गए मोहसिन। एक चौका, ये अच्छे बल्लेबाज की पहचान है। काफी लुत्फ अंदोज होते हुए नजारा उठाते हुए दर्शक। पहली गेंद फेस किया लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, विकेट कीपर ने उसे कलेक्ट किया और एम्पायर का वाइट का इशारा। और ये शेरू की अगली गेंद, सामने में बहुत ही धीमी गति की गेंद थी, इसे जोर से मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले में अच्छी तालमेल नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी एक रन लेने में तो कामयाब हो गए और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 45 रन 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। My
मैदान में अभी भी मौजूद है मोहसिन। अगर ये 8 ओवर 9 ओवर चले और चलते ही रहे तो नजारा बदलेगा, हवाएं बदलेंगी, रुख बदलेगा मोहसिन के लिए। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना कर, पहले भी कई तूफान का रुख मोड़ चुका हूँ। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं नए बॉलर चीरू। सामने में प्रबोध सर, काफी सूझबूझ वाले बल्लेबाज, फील्डिंग काफी चुस्त सजाई गई है। अगला गेंद, रनर काफी दूर से 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से डाली गई, 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से डाली गई है गेंद। और क्या बोल, जबरदस्त बोल यहां पर किया है चीरू ने। पहली ही गेंद पर चीजे इंटरप्राइजेस बोल उठाई। क्या गेंदबाजी थी, समझ नहीं पाए, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद लेग स्टंप लेकर उड़ी है। एक विकेट गिरा, एक गिल्ली गिरी, दो विकेट बचे, एक गिल्ली खड़ी रह गई। क्या गेंद थी, जबरदस्त। आप इसे रिप्ले में जाकर मैच के बाद देख सकते हैं, बहुत ही आला किस्म की बॉल। अगले बल्लेबाज कलीम। और स्कोर पहुंचा है 45, 3 विकेट के नुकसान पर, 4.1 ओवर। स्कोर ओवर के खत्म पर पूरा कहा जाएगा। और ये अगली गेंद शुरू की कलीम को, और ये फिर से उसी रफ्तार से डाली गई गेंद, लेकिन नहीं, इस रफ्तार से आप कलीम को गेंदबाजी नहीं कर सकते। और उनके रेडार में आई थी ये गेंद और गेंद गई निहाल यूपीबीसी छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ टीम का स्कोर 50 तालियां। और अगली गेंद उसी रफ्तार से डाली गई गेंद, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी बल्लेबाजी, एक छक्के के बाद ये सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, बहुत अच्छी गेंदों को इज्जत बख्शते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजते हुए कलीम। अगली गेंद शुरू की, फिर से उसे मारा है, देखते हैं गेंद। जी हां, गेंद फील्डर के हाथों में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 4 रन बचाने में कामयाब हो गए, 1 रन बचाने में बिल्कुल भी नाकाम ना हो सके। और ये इसी के बीच 1 रन सामना करेंगे मोहसिन अगली गेंद का शुरू के। चीरू की अगली गेंद और राउंड द विकेट डाली गई थी, देखना है। ओह क्या जबरदस्त हिट था, हिंदुस्तान टायर का ये छक्का निकलता हुआ मोहसिन के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी। अब मोहसिन खौफनाक मूड में नजर आते हुए अपनी बल्लेबाजी से दहशत फैलाते हुए ग्राउंड के अंदर में और ये अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी और सफल हुए अपनी इस गेंद पर, एक रन बचाने में कामयाब हुए, कोई रन नहीं। और ये ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर पहुंचा 58 रन 3 विकेट।
अगले गेंदबाज शब्बी विराट खुद अपनी अपना बोझ खुद अपने कंधों पर संभालेंगे। अगला गेंद लेकर आते हुए मीडियम पेसर अच्छी गेंदबाजी करते हैं सामने में कली और ये अपनी पहली गेंद और फुल टॉस थी इसे उठाकर मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद ज्यादा रफ्तार नहीं तय कर पाई ग्राउंड का और सीधा फील्डर ने उसे कलेक्ट किया इसी के बीच एक रन लेने में कामयाब। शब्बीर की ये गेंद मुश्किल को नहीं डाल सकते आप मोहसिन सॉरी मुशी मेरे दिमाग में सवार है इस वक्त तो फिलहाल को माफी चाहता हूँ मोहसिन को आप ये गेंद नहीं डाल सकते और जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है ये रश्मि इंटरप्राइजेस छक्का निकला मोहसिन के बल्ले से बहुत ही लंबा हिट लगाया उन्होंने निकलते हुए मोहसिन के बल्ले से एक और जबरदस्त हिट क्या बल्लेबाजी हो रही है अच्छी बल्लेबाजी और ये अगली गेंद सूझबूझ वाली बल्लेबाजी दो छक्के लगा चुके थे फिर रोटेट स्कोर को भी किया और एक रन मोहसिन के ये 50 रन पूरे तालियां बहुत ही आला बल्लेबाजी मोहसिन आप अपना बल्ला इस तरफ उठाएं प्लीज शुक्रिया ये डॉट बॉल कराया एक गेंद और बची है इस ओवर की अपनी आखिरी गेंद लेकर आते हुए शब्बीर कुछ समझा रहे हैं मोहसिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बैट्समैन एक तरफ से एक रन दो रन सिंगल दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शब्बीर की अगली गेंद और ये भी हमारा नहीं और ये कैच छूटा हाथों से कैच लपक सकते थे क्या छूटा जी हाँ और ये रन आउट होने का भी चांस दोनों असफल और ये कैच छूटा है बॉस के हाथों से और सिंगल लेकिन आया इसी के साथ स्कोर पहुंच गया 6 ओवर में 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आधा मैच खत्म नहीं नहीं वो अच्छे फील्डर है ये होता है कभी कभी मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ियों से कैच छूटते हैं कोई बात नहीं नर्वस होने की बात नहीं आप अगला अच्छा करोगे इंशाल्लाह और ये नवीन अजीब एक्शन ये पहली गेंद पर कैच हो सकते थे अच्छी बिल्डिंग नहीं थी लेकिन एक रन नहीं बचा सके और एक रन लेने में कामयाब ये इनका जो एक्शन है ये अजीब एक्शन है ये मिक्स है मलिंगा और बुमराह के एक्शन से दोनों का एक्शन मिलाकर ये इनका एक एक्शन बनता है उमरा और मलिंगा दोनों का एक्शन मिलाएं तो तब जाकर इनका एक्शन बनता है अच्छा एक्शन बहुत ही प्यारा एक्शन अगली गेंद उठाकर मारा और क्या नहीं फिर से क्या छूटा वो किस
किसका छूटा है, वो किसका छूटा है, घातक अपने बल्लेबाज बल्लेबाजी से दिलों दिलों को दहलाते हुए इनका क्या छूटा? अब तो मैं ये कहूंगा कैच छूटा या इन्होंने मैच छोड़ा। बहुत ही आसान कैच थी, हो सकती थी, दुनिया अब भी कहती है मोहसिन क्रीज पर मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। स्कोर स्कोर 150 पार जा सकता है और ये गेंद बहुत ही ऊपर और आकाश को चूमती हुई फलक ठोस आकाश को किस करते हुए चूमती हुई बॉल गई, जा सकती थी लेकिन नीचे फील्डर मौजूद थे, पूरा आंखें जमाई हुई थी गेंद के ऊपर में, आखिरी वक्त तक आंखों को नहीं हटाया गेंद से और कैच कर लिया, बहुत ही अच्छा कैच, मोहसिन की धुआंधार पारी हुई समाप्त, अच्छी बल्लेबाजी की, तालियों से उनका स्वागत किया जाए, बाहर जो बैठे हमारे दर्शक हैं, फील्डर हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही उम्दा आला बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी की है इन्होंने। गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए कम है, मोहसिन का विकेट, अच्छे अच्छे गेंदबाज चाहते हैं कि मुझे ये विकेट मिले, मुझे ये विकेट मिले, जिस तरह बाबर आजम की विकेट, विराट कोहली की विकेट, स्मिथ की विकेट, ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनकी विकेट पर जितनी खुशी बॉलर को होती है बिल्कुल उसी तरह अगली गेंद लिपुन सामने, ओहो अच्छी गेंदबाजी लिपुन को, और ये मिस फील्ड पर मिस फील्ड आज देखने को मिल रही है। यहाँ एक रन भी नहीं बनता था लेकिन अपनी चालाकी के साथ दोनों बैट्समैनों ने एक रन लिया। अगली गेंद के लिए तैयार कर लिया। ओहो नजाकत से खेला हुआ ये शॉट, क्या शॉट थी, क्या कट था, जैसी गेंद वैसा शॉट, काफी नजाकत से खेला हुआ ये शॉट, सूझबूझ के साथ कट कर दिया उसे बाउंड्री पर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये सेनापति चौका निकलता हुआ कलीम के बल्ले से। एक गेंद अभी भी बाकी, इस गेंद के बाद टीम का स्कोर बताया जाएगा इंशाल्लाह। और ये गेंद अच्छी गेंद और ये रन आउट होने का चांस, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, तब तक बैट्समैन वापस आ चुके थे और ये ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर पहुंचा है 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर खत्म, स्कोर 79, विकेट 4 विकेट गंवाए अभी तक। समीर रोरिंग लायंस ने ये अगर इसी तरह गाड़ी चलती रही और फील्डिंग थोड़ा 79 रन 7 ओवर 79 रन और ये चीरू नहीं, फिर से क्या ड्रॉप और इस बार ड्रॉप हुआ मुश्ताक से, विकेट कीपर मुश्ताक से, उनके दस्तानों में गेंद नहीं आई और उनके दस्तानों से गेंद फिसल गई, एक और कैच ड्रॉप हुआ। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल को चीरू, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए। अब देखना है अगला गेंद क्या होता है, अब ये मैच धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर जाते हुए, चिरू की ये गेंद, ओ बेहतरीन, क्या शॉट था,
धरती का सीना चीरते हुए ये निकली है ग्राउंड के बाहर और ये स्वामी इंटरप्राइजेस चौका लगा है बल्ले बल्ले से। तो वो तो बल्ला रखे ना, तो बैग रखे थे ना, और ड्रिंक्स तो दे दे मुझे, यहाँ से इसको दे दे और एक ले। बेहतरीन बल्लेबाजी, स्कोर पहुंचा 83 पर और एक अच्छी गेंद और ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल डॉट बॉल, इसको भी खेलना चाह रहे थे उठाकर लेकिन बॉल आई नहीं बल्ले के ऊपर में और गेंदबाज ने खुद अपनी गेंदबाजी लाइन पर उसे पकड़ा और वापस बॉलिंग लाइनअप की तरफ। और ये अगली गेंद और ये क्या था, और ये फिर से उसी लाइन की गेंद और फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और ये ब्यूटी बैंक बोल्ड था। अच्छी अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है चूरू की तरफ से, क्या गेंदबाजी, दोनों टुक 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 दो विकेट ली है और दोनों बल्लेबाजों को होल्ड किया है, किसी का सहारा नहीं लिया, ना विकेट कीपर का ना फील्डर का, किसी का सहारा नहीं, अपने दम पर इन्होंने दो विकेट निकाली है और दोनों को होल्ड। अब अगले बल्लेबाज मुज्जा क्रीज पर आते हुए धुआंधार बल्लेबाज, ये भी धुआंधार बल्लेबाज है, दुनिया अब भी कहती है मुज्जा अब क्रीज पर है, मौजूद है, कुछ भी हो सकता है, स्कोर यहां से पहुंच सकता है 130 140 के करीब अगर ये आखिरी तक चले, अभी स्कोर 83 है 5 विकेटों के नुकसान पर। आज ये थोड़ा सा वक्फा मैच में, काफी शदीद गर्मी और धूप के बीच ये टूर्नामेंट चलता हुआ, इसकी खूबसूरती ऐसा नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मेरी समझ से तो आईपीएल के बाद सबसे पॉपुलर और सबसे मशहूर जो टूर्नामेंट है वो केपीएल है। थोड़े से वक्फे के बाद सारे खिलाड़ियों ने थोड़ा दम भरा, पानी पिया और कुछ एक दूसरे से बातचीत हुई, ताजा दम हुए और फिर से तैयार। मुज्जा स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर करीब पहली गेंद का सामना, चुरू की गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई है गेंद, कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पर नहीं की, इस गेंद पर बांधा मुज्जा को, कोई शॉट लेने के लिए नहीं दिया, नाकाम। पानी पीने के बाद थोड़ा सा अब चुस्ती आते हुए फील्डरों के अंदर में, और ये चिरू की अगली गेंद और ये देखना है विकेट कीपर से छूटी गेंद और गेंद गई विकेट कीपर को पार किया, पीछे के फील्डर को पार किया और बाउंड्री लाइन को जाकर छूती हुई ये गेंद ड्रीम वर्ल्ड चौका निकलता हुआ ख्वाजा मुजफ्फर के बल्ले से। इस चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 87 रन 8 ओवर पर 5 विकेटों के नुकसान के साथ। आठ ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 4 ओवर का खेल अभी और बाकी है, 24 गेंदें अभी बाकी। सारे फील्डर चुस्त और खड़ा बफला
अस्सलाम वालेकुम। फिर से कुछ टेक्निकल इशू के बिना पर कमेंट्री थोड़ी देर के लिए बंद थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 9 ओवर का इख्तिताम हो चुका है और 90 रन बना चुकी है समीर रोरिंग लाइन। 9 ओवर में 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पर अब क्लाइमेक्स, खेल का क्लाइमेक्स। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्लाइमेक्स बाकी है। अब शुरू यहां से शुरू की पहली गेंद, क्लाइमेक्स का पहला ओवर और इसे खेला है सीधा बिल्कुल बल्ले से एक रन लेने में कामयाब। अच्छी फील्डिंग यहां पर शुरू। ये चालाकी की गेंद में काफी बदलाव किया, परिवर्तन किया, स्पीड 145 से हटाकर 125 पर देगी और एक रन ही बना सके ख्वाजा मुजफ्फर। सामने में कलीम शीरू का सामना करेंगे। ओह अच्छी गेंदबाजी, फुल टॉस थी लेकिन उठाकर मार सकते थे, गेंद गई नहीं, अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ। एक रन इसी के बीच लेने में कामयाब कलीम। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 93। ओहो गेंद उठी है, क्या ये हो सकता है? जी हां, हो गया। अच्छी गेंदबाजी और विकेट गवाई, लंबे शॉट के चक्कर में गेंद आई नहीं, फुल टॉस थी, उठाकर मारना चाह रहे थे, गेंद रह गई दायरे के अंदर में। गेंदबाज ने फास्ट बॉलिंग छोड़कर स्पिन चालू कर दिया। समीर रोलिंग लाइंस एक विकेट और अपना गवाती हुई। अच्छी गेंदबाजी वहां पर, चालाकी से भरी। अगले बल्लेबाज, बल्लेबाज शेख अमीन, कल अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी, आज भी इनसे यही उम्मीद, आखिर तक लेकर जाना चाहेंगे। एक और बोल, क्या गेंदबाजी है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे अमीन और गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद पड़कर टप्पा खाकर अंदर जाती हुई और फिर से लेग स्टंप को लेकर उड़ी और जस्ट ब्यूटीफुल।
मैदान पर कप्तान समीर, तालियों से इनका स्वागत हो। कैप्टन गया है, कुछ तो बनता है भाई। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। रिस्पेक्ट, देखिए रिस्पेक्ट देना होगा। 93 लॉस ऑफ 7 विकेट, 9.5 ओवर। इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। अगर आप इज्जत लेना चाहते हैं तो दूसरों को इज्जत देनी होगी। कप्तान क्रीज पर मौजूद, हैट्रिक बॉल। क्या ये पहली हैट्रिक केपीएल सीजन 2 की हो सकती है? देखना ये है। चीरू काफी तैयारी करते हुए, देखते हैं फील्डर इनका कितना साथ देते हैं या डायरेक्ट ये अपना हैट्रिक पूरा करेंगे। ये बॉल बचे, बाल बचे। अच्छी गेंदबाजी, समीर ने छोड़ दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर 93 रन 7 विकेटों के नुकसान के साथ 10 ओवर खत्म हो चुके हैं। 93 रन 90 पर 3 रन 7 ओवर और 7 विकेट, 10 ओवर और 7 विकेट गंवा चुकी है समीर रोरिंग लायंस। सामने सामना करेंगे कलीम और फिर से गेंदबाजी में मिक्स गेंदबाजी नवीन भी। अगली गेंद तैयार, सामने में कलीम, देखना है। और ये पहली गेंद, और ये पहली गेंद को उठाकर दे मारा है, क्या शॉट है, लाजवाब लाजवाब हिट सन लोरियल छक्का। और ये नो बॉल, और ये जी हाँ हो ये, और ये नो बॉल। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसी छक्के के साथ टीम के 100 रन भी पूरे। जोरदार तालियां तालियां मार। और ये प्री हिट की गेंद उठाकर मारा है सामने में शब्बीर। कैच तो हो चुके लेकिन आउट करार नहीं दी जाएगी क्योंकि ये फ्री हिट थी। उसका पूरा फायदा उठाना चाह रहे थे। दुनिया अब भी कहती है समीर क्रीज पर मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। क्या गेंदबाजी और ये अच्छी गेंदबाजी, अपने गेंद से नचाया बैट्समैन को और ये गेंद लगी सीधे स्टंप पर, समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। क्लीन बोल्ड, अच्छी गेंदबाजी से अभी तक 8 विकेट। अब सिर्फ 2 विकेट बाकी और ये राजा क्रीज पर राज कर रहे हैं अभी तक सबके दिलों में। स्काई राजा, दिलों के राजा, ग्राउंड के राजा, मैदान के राजा, केपीएल के राजा, स्काई राजा ग्राउंड पर। अब इनके उल्टे शीशे शॉट से आप लोग काफी लुत्फ उठाइए, काफी परेशान करेंगे ये अब फील्डरों को। ऑफसाइड की कोशिश होगी, गेंद जाएगी लेग साइड में। लेग साइड की कोशिश होगी, गेंद जाएगी ऑफसाइड में। सामने की कोशिश होगी, गेंद जाएगी पीछे। पीछे की कोशिश होगी, गेंद जाएगी सामने। अजीब माजरा है, अजीब खेल खेलते हैं फील्डरों को काफी।
काफी परेशान कर कर रखते हैं। अब देखना है इन्हें कैसे बांधते हैं या फिर से अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी और ये रोका, अच्छी विकेट, नहीं नहीं नहीं, अच्छा थ्रो था। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन पवेलियन की तरफ वापस आना पड़ता राजा को। अच्छी रनिंग, अच्छी रनिंग, इस एक रन को छुड़ा लिया। ये चोर है, ये चोर है, बहुत बड़े वाले चोर है, ये रनों को चुराते हैं, ये आंखों से सूरमे की तरह। अच्छी गेंदबाजी और यहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर, एक रन का और इजाफा कर लीजिए। ये आखिरी पड़ाव चलता हुआ, क्लाइमेक्स चलता हुआ इस इनिंग का। ये रिवर्स खेलना चाह रहे थे अपना, ये इनका सिग्नेचर शॉट है, ये इनका सिग्नेचर शॉट है। आज सिग्नेचर थोड़ा गलती हुई, सिग्नेचर में मिस कर दिया उस शॉट को, रिवर्स खेलना चाह रहे थे। बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए, सीधी गेंद रह गई, सामने खेलना बनता था, लेकिन ये आड़ा, लेकिन ये आड़ा शॉट खेलने गए, खेलने गए सीधे विकेटों पर और गिल्लियां उड़ी और राजा आउट होकर वापस आते हुए स्कोर पहुंचा है 103 रन 11 ओवर के अख्ताम पर 9 विकेटों के नुकसान के साथ। अली भाई, उस्मान भाई के लिए ताली एक बजाओ। और ग्राउंड पर मौजूद गुरु, तालियां, गुरु का स्वागत। सारे दर्शकों से गुजारिश है बताऊं, क्या बयान करूं, इनसे सब सबों ने क्रिकेट सीखा है, हम सबों ने इनसे क्रिकेट सीखा है, ये सबके गुरु हैं। आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बड़े मंच पर पहली बार गुरु को देखने का एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही अनुभव है। गुरु के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, ये ग्राउंड, ये गेम और ये शहर मेरा है और मैं यहाँ का चेकन शिक्र हूँ। ये ग्राउंड, ये गेम और ये शहर मेरा है और मैं यहाँ का चेकन शिक्र हूँ। गुरु तैयार, नॉन स्ट्राइक पर। ఒక బాల్లో ఎంత ఉంది, ఒక రన్ ఉంది, అయిపోయింది. కానీ అది కేత్ పడుచు ఉంటే మాత్రం మ్యాచ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ వికెట్, లాస్ట్ వికెట్ కదా, వికెట్ అయితే కూడా లాస్ట్ బాల్ గేందబాజీ మే దేఖనా హై క్యా పరివర్తన్ హో సక్తా హై. జీ హా, అగ్లి గేందబాజ్ కౌన్ లేకర్ ఆతా హై? అంజీ మౌజూద్ ఫీల్డ్ పర్ నయీమ్ ఔర్ కుచ్ ఆపస్ మే తాల్మేల్ బాతే హోతే హుయే, కుచ్ సమ్జాతే హుయే ఔర్ ఖాజా షర్ఫుద్దీన్ కే హాత్ మే గేంద హై, క్యా వో ఖుద్ డాలేంగే యా కిసీ ఔర్ బౌలర్ కో చూస్ కరేంగే, దేఖనా బడా దిల్చస్ప్ హోగా. జీ నహీ, ముజే తో ఐసా లగ్తా హై గేంద ఉన్హీ కే హాత్ మే హై ఔర్ యే అగ్లి గేంద షబ్బీర్ కీ सामना करेंगे कलीम। आखिरी ओवर, आखिरी ओवर, अब धड़कने तेज। तो पहली गेंद चुके और ये वाइड बचाना चाह रहे थे, अच्छी अपील वहां पर, वाइड बचाना चाह रहे थे, कीपर भी जान रहे थे कि ये वाइड है, अपील से कभी कभी वाइड बच जाती है उसी के इंतजार में, लेकिन एम्पायर भी कौन है।
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी और उसे खेला है, देखते हैं गेंद कहां, गेंद को कलेक्ट कर लिया गया, एक रन लेने में कामयाब। सामने में अब मौजूद है छयकांत शिंगरे गुरु। हलचल 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 फील्डरों के बीच में हलचल, ऐसी हलचल तो पूरे 11 ओवर देखने को नहीं मिली, काफी हलचल। आगे का फील्डर बाहर, और ये पहली गेंद वो अच्छे से खेला था, मिस कर गए। गुरु के आते ही हलचल मची फील्डिंग में, आगे का फील्डर पीछे, पीछे का फील्डर आगे, क्या दहशत है गुरु की, वाह भाई वाह, मजा आ गया देखकर। ओ अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, आखिरी आखिरी के आखिरी का 12वां ओवर, लास्ट ओवर, इसमें गेंदबाजी करना ये एक अपने आप में काफी चुनौती, और भी ऐसे बल्लेबाज को, वो भी ऐसे बल्लेबाज को जिनको गुरु कहा जाता है। ओहो क्या शॉट, क्या शॉट है, क्या ये गेंद पैर लगा था बाउंड्री पे, मैं ये देखना चाहूंगा। नहीं, एक रन से संतुष्टि, अच्छी गेंदबाजी आखिरी ओवर में करना ये काफी दिल जिगर की बात होती है, अच्छी गेंदबाजी शब्बीर, वेल डन। सामने में अब अगला गेंद फेस करेंगे कलीम, देखना क्या है, दो गेंदें बाकी। उधर कमारा है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, और ये क्या फील्डिंग, चीते की रफ्तार से फील्डिंग, चीता भी इतनी तेज अपने नहीं लपकता अपने शिकार पर, जितनी तेजी के साथ चीरू लपके हैं गेंद पर। स्कोर पहुंच गया 111 रन 12 ओवर में, 112 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी की टीम 10 मिनट के वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। Yeah, yeah. Ada.
सुप्रभात भाई मैंने आज आमर लीग र पंचम मैच समीर रोअर वर्सेस सबीर वॉरियर समीर रोअर प्रथम बैटिंग करी 111 रन टारगेट रखिंट मौलाना भाई को अनुरोध मंच निकट आस हेलो मौलाना भाई को अनुरोध मंच निकट आस सम्मिलन तरफ खाजा मोहसिन भाई 21 बॉल रे 50 रन धुआन धरी पारि खेलते आसिफ भाई प्रथम बॉल रे कौन मध्य रन न कर टकआउट होते शेख सफी 8टा बॉल रे 10 रन कर रन आउट होते प्रमोद भाई रोहित कुमार को तरफ बोल्ड होते कलीम भाई पूरा पिलर भी ठिया 19 बॉल रे 28 रन कर इनिंग शेष करते लिपुन पट्टनायक 5 बॉल रे 5 मुजा भाई 7 बॉल रे 6 रन करते शेख अमीन एक बॉल शून रन समीर भाई दो बॉल शून रन सूरज किरण 3 बॉल 1 रन उस्मान भाई मैच फिनिश करते हैं लास्ट बॉल रे 4 मारी एते सब बॉलिंग स्कोर खाजा मुस्ता मुसी भाई दो ओवर रे 20 रन दे 111 रन ए जिसको 112 कर दे खाजा मुस्ता दो ओवर 20 रन दे गोटे विकेट नहीं शेख सेरु भाई दो ओवर 25 रन दे कौन से मध्य विकेट नहीं और रोहित कुमार सेरु भाई तीन ओवर रे ब्रिलियंट बॉलिंग कर 24 रन दे 4 गोटे विकेट नहीं खूब सुंदर बॉलिंग रोहित भाई द्वारा खाजा सेफ सबर भाई दो ओवर 23 रन दे कौन से मध्य विकेट केतना गोटे नथिले एम नवीन जार बॉलिंग एक्शन पूरा यूनिक थिला से बहुत सुंदर बॉलिंग करी 3 ओवर के 19 रन खर्च करी 3 गोटे विकेट नै छथि रोमांचकर मैच हम आशा दुई दल पाखे खूब सुंदर बैलेंस टीम अच्छी मुझे चाहे मुन्ना भाई को अनुरोध मुन्ना भाई
नुआ मलदारी बॉलिंग मार करे एक्सपीरियंस बॉलर आसिफ भाई जने जणा सुना बॉलर प्रथम ओवर विकेट काटिवार दक्ष रखंती से बैटिंग मार करे तिसम मुसी भाई स्ट्राइक रे मुसी भाई लास्ट स्ट्राइकर साबिर भाई 112 रन टारगेट पांच प्लेयर को निश्चित बड़ करबे को चेष्टा करबे साबिर 11 दल प्रथम बॉल रे मुसी भाई चार नंबर गियर रे गाड़ी आरंभ करी छक्का मारी छंती पूरा केवल छक्का चौका ही डील करिवरे विश्वास करंती हैप्पी बैट्समैन मुसी भाई जेमिदि से देखिबा को हैप्पी बैटिंग भी तंकर बहुत हैप्पी एम्पायर निष्पत्ति
कौन मारो तो मुसी भाई पूरा फॉर्म रे मुसी भाई आउ बॉल को देखा देखि ना डाउन डायरेक्ट बाउंड्री को देखु जों से की माटलो मा एमिति मारुथिबे बेले मुंडो खराब हो जीवो पापर तुत्ते बोल 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 एक्सपीरियंस बोलर आसी भाई भाई टेस्ट करबे विकेट काढबा को पूर्ण पर घुरे मारे प्रयास किंतु चकमा दे चंदी आशीष भाई मनोवांछित सफलता मिलने करे उसी भाई को रिपोर्ट को हमारे प्रयास किंतु चतुर चालक बॉलर आशी भाई कोसी मतलब चांस देना दिया था मुसी भाई को से शॉट से खेलने को खूब सुंदर बॉलिंग आशी भाई को द्वारा कौन कर खुले मैच को दी पॉइंट हमारे चली गला लो चली गला छक्का खूब सुंदर शॉट मुसी भाई को पेट रे प्रथम ओवर तीन गोटी छक्का रे से सभी दल को पूरा उच्च स्थान रे पहुंचा दे छथि लास्ट बॉल बा प्लेयर बॉल आसिफ भाई खूब सुंदर डिफेंस एते सुंदर डिफेंस भाई आ कोन जो शब्द ने सुंदर एति से प्रथम ओवर पर समाप्ति पर टोटल स्कोर 18 रन गोटी विकेट मिनिम रे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ कोन से विकेट मिनिम घटने क्षमा करियो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 1 ओवर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 1 ओवर सबरियन स्कोर इज 18 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट पापरे दुआंदार बैटिंग रे बहुत समाचार रखी छन सबरी 11 दल एतिसो कैप्टन कैप्टन सबिर स्ट्राइक रे बॉलर कैप्टन समीर भाई दुई दल रे कैप्टन मध्ये रे आमना सामना देखा जाउ एक कैप्टन युद्ध रे करिए जितु छी फुलटस वोल्ट को स्लाइडली गाइड करबो चेष्टा करछन एतिसो सिचरा मिस फील्डिंग मुंजा भाई को द्वारा एक रन क्षति घटी समीर 11 दल को मुसी भाई स्ट्राइक रे कौन कर देखा डिफेंस भाई की सुंदर डिफेंस काटू और बहुत सुंदर बॉल पकड़ दिले समीर भाई पूरा यक्कर लेंथ कौन से मतलब चांस देना थी मुसी भाई को बॉल को हिट करने पर खूब सुंदर बॉलिंग समीर भाई के द्वारा फुलटोस तो घर मार दिले किंतु एपिसोड पर निष्पत्ति नो हुआ लिमिटेड ओवर मैच रे नो बॉल को सबुर बड़ क्राइम और चलबो एति सह फ्रीट बैट्समैन को मागणा फ्रीट उड़ी 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 बला लो बला चली बला उड़ीला उड़ीला एवं बाउंड्री बाहर को छक्का मुसी भाई कौन खाई के आई तो तुम्हें भाई आ सुना सुनी नहीं खाली छक्का का मारु छ कौन लास्ट इनिंग गोटी बॉल ये ओवर रो एवं एक लंबा चौड़ा बॉल वाइड बॉल किछटा स्टंप रे प्रॉब्लम हो सब दे एम्पायर स्टंप रे ठीक कर छथि आसी भाई किसी परामर्श दो छथि समीर भाई को सॉरी क्षमा करबे मौसिम भाई जणे हार्ड हिटिंग बैट्समैन घोरा मारो प्रयास किंतु सब होइनि मुसी भाई समीर भाई को द्वारा अति सुंदर बॉलिंग प्रदर्शन अटे
पूरा टीम जोश्रे समीर भाई को आशा पोषि विकेट टा काढ़ी ना कि मुसी भाई आशा छक्का मारे देखा जो कौन हो खूब सुंदर एक्सपीरियंस बॉलर समीर भाई खूब सुंदर चेजिंग मार्ग अनुग्रह कर मुसी भाई भाई मुज्जा भाई 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 भितर लड़े देखा मिले 29 खाजा मुज्जा भाई बॉलिंग मार्ग बैटिंग मार्ग विश्वास करती द्वितीय गुरे में जल्दी बॉल डाले कंचोरे ओहो सहर पिछले किल्लर मुंडो गुरे जी बॉल बॉल छछ मुसी भाई आज चिंता कर चंदी मु आ सुनी भी नहीं खाली मारी चली भी नहीं खूब सुंदर बॉलिंग मुज्जा भाई का लास्ट तीन गोटी बॉल बाप रे समीर भाई के जीता परामर्श दो सुंदर रे मुज्जा भाई को हुए तो विकेट आसी पारे जहां से भावु चंती किंतु मुसी भाई को एटी किछटा भावना अलगा देखा जाओ कौन होची एती सब मु सुनिया के मिलुची पार प्लेयर सबडु अधिक स्कोर हिछ बते ए पजंत तीनोटी बॉल बाकी अछि आउरी फील्डिंग सेटिंग लेग्रे डीप स्क्वायर लेग अच्छी गोटे एवं मिड विकेट दिया रखी चंती देखा जाओ कौन होची स्टेप आउट कर मैच चल रहा है चलो को मौसम बैंक का सुपर बिल्डिंग रनआउट रन कुछ नहीं पड़ेगी एक सह रनआउट रन वक्त दे चंदी साबिर इलेवन का खूब सुंदर फील्डिंग मौसम बैंक का द्वारा बॉल की कुछ से पूरा भाग पूरा स्पीड झांसी नहीं पिंगे को चेष्टा करते तापर लास्ट दो गोटी बॉल किंतु मुसी भाई से रिवर्स करले बहुत कम टाइम हुए से इसे बॉल को कनेक्ट कर पांदे नहीं लास्ट बॉल पाए बॉलर तीन गोटी बहुत सुंदर बॉल पकड़ चंदी मुज्जा भाई चौका मारी हाफ चांस दिला कोई
किंतु बहुत सुंदर बैटिंग रे प्रदर्शन रे सब ओवरन रे गदर मुसी भाई एति सा सीनियर बॉल पर शॉट पर तले स्कोर तो टकरी जा कौन सी बदल रही है बदल घट घट आ रहे किंतु समय कहते विभिन्न दल पाखे भी बहुत सुंदर बल विकेट पतन घटे मैच टी रोमांचक आशा देखा जो कौन हूँ समय कह बॉलर बॉलिंग मार्ग रे ओपनिंग बॉलर आसिफ भाई जने एक्सपीरियंस बॉलर बॉलिंग करिवे कैप्टन सबीर भाई को पार द्वारा भाईसा अधिक कटे छि पार प्ले पर पांच गोटी फील्डर बाहर जगी परिवे बाउंड्री राइट रही परिवे रेस्ट्रिक्शन आउ नाही फील्डिंग रे देखा जो को हो छि बे बैटिंग मार्ग सबीर भाई ओ सुंदर बॉलिंग रे आसिफ भाई को द्वारा बहुत सुंदर हार्ड लुक बॉलिंग सबीर भाई डिफेंस करथिले अति सहा डॉट बॉल 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 साइड कैच कर ले आसिफ भाई ओ सुंदर बॉलिंग देखो तो सिंगल रन अपॉर्चुनिटी अच्छी ना नहीं अति सहा मुज्जा भाई स्पीड रे पहुंच पा नथले बॉल पा को जा पर सिंगल नहीं बोले चलती अति सहा हार्ड हिटिंग बैट्समैन मुस्ता मुसी भाई स्ट्राइक रे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन मुसी भाई कौन डिस्ट्रक्शन कर परबे कि ओवर रे कि ताको विकेट डिस्ट्रक्शन कटिबो देखा जाउ समय कहबो एक बॉल रेखा बंद
धुआंधार बल्लेबाजी के साथ चार ओवर के बाद शब्बीर वारियर ने 57 रन बटोर चुके हैं 57 बिना कोई नुकसान के। 112 रन का पीछा करते हुए सिर्फ चार ओवरों में 57 रन काफी महंगे साबित हुए। आसिफ आखिरी ओवर में 2 ओवर में 25 रन दे चुके हैं मोहम्मद आसिफ। खाजा मुजफ्फर 1 ओवर में 14 रन और कप्तान समीर ने थोड़ा बचत करते हुए 1 ओवर में चार ओवर बिना कोई नुकसान। समीर तरफ पंचम ओवर नहीं आमीन सूरज बिहार तरफ किसीटा बॉलिंग चमत्कार करेंगे कि समीर आशा और विश्वास स्ट्राइक रे सबीर भाई जे निज पर्सनाल तीन बल दु रन कर मुसी भाई निजर बैटिंग सुंदर प्रदर्शन दे चलते आमीन बॉलिंग मार्ग प्रथम ओवर पकड़े आमीन निजर व्यक्तिगत उठे खूब सुंदर बॉलिंग प्रदर्शन आमीन द्वारा एक फुल टॉस बॉल से विकेट पतन घटाइले पिछले मैच में अर्ध शतक हासिल किए हुए बल्लेबाज अभी सिर्फ 2 रन में आउट होकर जाते हुए शब्बीर कप्तान 51 रन करके मौजूद है क्रीज पर मुस्ताक और 57 रन पे पहला विकेट अगले बल्लेबाज सादिक खान। थैंक यू मुन्ना भैया एदिसह सादिक बैटिंग मार करे बॉलर आमीन जी टीम तरफ पर प्रथम झटका देतिले सबिर इलेवन दो को एदिसह सादिक स्ट्राइक रे प्रथम बॉल प्रेस करबे फर्स्ट बॉल सादिक एदिसह घोरा बाजन सादिक मिटिंग अंचल को सेफ किंतु अपील को नाकच कर चंती दुई अंपायर बॉल टीम में भी बम बॉल हो जाता है सिद्धि पाई अंपायर का निष्पत्ति बम बॉल बम फुल टॉस्टिंग घरे में चंती सामना अंचल रे एवं अबोध भाई अच्छी फील्डिंग मार्ग एतिसह हार्ड हिटिंग बैट्समैन मुसी भाई स्ट्राइक रे कौन करबे दुई गोटी बॉल रे देखा जाउ आमीन निजर बॉलिंग रे कमाल देखि परबे कि मुसी भाई तंका बैटिंग रे जलवा देखिबे समय कहबो
टेस्ट को मार दी थी मो सीबा एंपायर को निष्पक्ष करते क्या छक्का आमीन को पत्तो बॉल रे छक्का बाउंड्री बाहर को पठाछन्दी मुसी भाई कौन करे गोल बैटिंग मार्ग बसुंती इमाम भाई बॉलर नेम रियाज साहिल लेग स्पिनर तुर्की बॉलर साहिल आसु आसु बैट्समैन बंद रे बड़ शॉट खेलबे की डिफेंस करबे खूब सुंदर बॉलिंग साहिल को द्वारा खूब सुंदर चालक रे सिंगल काट देतिले सादिक इमाम भाई के बड़ छक्का छक्का डील करंती गोटी मुसी भाई गले आउ गोटी इमाम भाई असले के बड़ छक्का मारबे व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट अगेंस्ट द स्पिन मारिंग बाउंड्री बाहर को बॉल पहुंच दिले हेलो हां लो बोली जैसे मो क्या बोला इमाम भाई को मामा भी कहा जाए जने धुआंधार बैट्समैन इमाम भाई मामा एदि सह रिया जे पसंद मुसी भाई को इनिंग से बोली पार नानी मुसी आउट भला होला एक ही पल्ला पर भी ओहो शॉट बॉल टिक मिस करतिले एदि सह बाबू भाई को बोला मिस फील्डिंग सॉरी बाबू भाई का तरफ मिस फील्डिंग गुरे मार्चन स्टेट रे साहिल को द्वारा खूब सुंदर फील्डिंग रे प्रदर्शन रन आउट अपॉर्चुनिटी होय कि नाही रन नेबो को मना करथिले सादिक को वाइड बॉल साहिल को द्वारा स्पिन को कंट्रोल कर पाले साहिल वाइड बॉल गुरे मार्चन्दी बोला लो कि मातलो बा शादी का सुनु नांती केवल छक्का मारचंती मुसी भाई कहि पडछ तांको पिल्ला मानको खाली मारिबा बेले छक्का मारिबा आउ किछि नै आगे आगे होय ए इधर आ भारत पूरी तरह गोए मैडम स्टेड अंचल को बॉल टू बुली पुरे जी किंतु पिलर ही अच्छी प्रमोद भाई एट दिस 6 ओवर पर शॉट पर दलो स्कोर 84 लॉस ऑफ 2 वेरिएबल विकेट्स आउ 36 बॉल रे 28 रन रे आवश्यकता मैच टी वन साइड लागले भी कहि दोगो चाहू छी एटी मैच रो रंग बदल को बहुत कम समय लागे कि विकेट एवं मैच रे परिवर्तन आसी पारे छह ओवर 84 रन 2 विकेट पतन रे
बॉलिंग मार्ग को अच्छा दो गोटी विकेट नबार प्लेयर अमीन ए ओवर में से चमत्कार देखि परबे कि अमीन बैटिंग मार्ग रे सादिक हार्ड पर सादिक खूब सुंदर वाइड आर्कर बॉलिंग करथिले एठारे अमीन बॉल टी बहुत सुंदर बॉलिंग करथिले सादिक को मपकरे टी कोनसी उत्तर नथिला से बॉल पई स्लो बॉल टी खूब सुंदर स्लो बॉल रिसीव करथिले बैट्समैन को एदिस अंडर भी किछ रिसीव होय जथिले फील्डिंग करिवारे राजा भाई द स्पीड फील्डर राजा भाई बैटिंग मार्ग रे मामा इमाम भाई घरे मैच दी मामा बॉल टू फील्डिंग अंतर रे मुंजा भाई एवं सुंदर फील्डिंग मुंजा भाई को द्वारा आमिन को द्वारा बहुत सुंदर फील्डिंग रे प्रदर्शन सॉरी बॉलिंग रे प्रदर्शन लास्ट दो गोटी बॉल ए ओवर गोरा मारा प्रयास साधन का द्वारा किंतु आमिन को द्वारा बहुत सुंदर बॉलिंग फुल फ्रेश डिलीवरी साधिक बीट होले बॉल रे लास्ट बॉल आमिन को द्वारा खूब सुंदर डिफेंस साधन का द्वारा कितना मिस फील्डिंग होई जी 300 एक रन छोरे नंबर सर सर सख्य चौंत डेढ़ सौ बिलवेंद्र सादिक भाई 300 सप्तम ओवर प्रवेश मंत्र दल स्कोर 91 रन दो गुटे विकेट पत्तमारे 750 मंत्र पर दल स्कोर 91 रन लॉस ऑफ टू वैल्यूएबल विकेट 30 बॉल रे 81 रन रा आवश्यकता केवल 81 रिक्वायर रन रेट हो 4.20 केवल 4 रन रा आवश्यकता प्रत्येक ओवर रे हाथ रे 8 गोटी विकेट बाकी अछि खाता रे मते लागु जी सबिर 11 दल चेष्टा करिवे मुन्ना भाई मते लागु जी सबिर 11 दल चेष्टा करिवे कि कम ओवर रे जितबा को दुर रिकॉर्ड रन तांकर रन रेट ठीक करिया पे चेष्टा करबे कि देखो तुषार मेन तांक पकरे ए अभिज्ञ बॉलर अछंती जो माने के को समय रे भी को मुहूर्त रे भी खेल को बदले दे परिबे तो मैं चाहूंगा कि मैच रोमांचक हो और अपने तजुर्बे का सही इस्तेमाल करके मैच की वापसी करें मैच की वापसी वापसी करने के लिए विकेट सबसे मेन है विकेट और 5 ओवर हो चुके हैं 5 ओवर का खेल बाकी है सिर्फ 21 रन हाथ में है अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए पूरी मेहनत झोंक कर कुछ ना कुछ चमत्कार करना होगा अगर ये मैच को जीतना है वरना ये मैच हाथ से निकलता हुआ सामने में शादी गेंदबाज कप्तान समीर अपना बार समाप्त हुए समीर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज सादिक करके मौजूद और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद तेज रफ्तार से अंदर आती है फील्डर वहां पे मौजूद एक रन लेने में कामयाब काफी चुस्ती के साथ वहां पे फील्डिंग और थोड़ी सी डिस्टेंस और ओवर थ्रो पे आ रहे
और दो रन मिले गेंदबाज पर, फिर से सादिक स्ट्राइक पर और 15 रन की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन लाइन ऑफ लेफ्ट गेंदबाजी करते हुए काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट और ये रन आउट का चांस था, मगर डायरेक्ट टू टू रुकी, बहुत क्लोज हो सकता था मगर रन लेने में कामयाब, एक रन चुराने में कामयाब। अगली गेंद समीर की, सामने में इमाम और ये जा रहा है कि नवाब अहमद उसको नीचे देते ही क्या क्या सोचो और ये क्या क्या स्पिनर वो क्या छोड़ेंगे नहीं और ये विकेट क्राफ्ट करते हुए और इसी के साथ तीसरा विकेट यहां से कुछ वापसी हो सकती है क्या। मेहनत तो लगाएंगे अपनी सारी सारी मशक्कत लगाएंगे मगर उसमें कॉम्प्रोमाइज करने में शब्बीर की टीम पीछे नहीं हटेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और ये नए बल्लेबाज फील्ड पर आ चुके हैं चिरू। चिरू बल्लेबाजी के जाते हुए टीम को जीतने के लिए 14 रन चाहिए, 26 गेंद हाथ में है, कप्तान समीर भार संभालते हुए पहला विकेट अपने टीम को दिया और इसके साथ 3 विकेट खो चुकी है टीम 98 पर 7.4 ओवर 7 ओवर 4 गेंदों के बाद दल का स्कोर है 98 3 विकेट के नुकसान पर 26 गेंदों में 14 रन की जरूरत। समीर की अगली गेंद सामने में चिरू, कुछ तो हवाएं बदली है और ये रन साथ में रूप से करते कर करते हुए लेग साइड की तरफ और थोड़ी सी स्पीड वाले अमल होते हुए और ये रन मिले और तेज रन दो रन लेने में कामयाब। दर्शक यहाँ पे मैच का लुत्फ उठाते हुए और अपने दोस्तों को जो फील्ड पर है उनको कुछ बताते हुए कुछ अपना आइडिया देते हुए अगली गेंद समीर के सामने में चिरू, सौरभ पूरे हो गए शब्बीर पूरे हो गए और ये भाग्य मारा है लेकिन डायरेक्ट फील्डर में मुझे पर वहां पर काफी रन लेने का कोई मौका नहीं और इसके साथ ओवर समाप्त 8 ओवर की समाप्ति के बाद शब्बीर वोरियर का स्कोर है 100 रन और जीतने के लिए 24 गेंदों पर 12 रन चाहिए, 4 ओवर पे 12 रन रिक्वायर्ड है दैट पर ओवर थी मगर समीर को जीतने के लिए विकेट जिम्मेदारी संभालते हुए काफी थोड़ी सी गुफ्तगु यहाँ पे हंसी मजाक होते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज ने मोहम्मद आसिफ काफी सीनियर और सादिक बहुत सीनियर मगर देखिए यही एक मजा है यही एक रौनक है हमारे टूर्नामेंट की जो मिलकर मोहब्बत से हंसते हुए खेलते हैं हंसते हंसते कर जाएंगे टूर्नामेंट के रास्ते। और अगली गेंद आसिफ की सामने में सादिक 12 रन चाहिए जीतने के लिए और आसिफ चाहेंगे विकेट और नेक्स्ट से काफी बाहर इतने कम स्कोर में आप अतिरिक्त नहीं दे सकते, एक रन अतिरिक्त मिलते हुए 101 पर पहुंच गया शब्बीर वॉरियर्स का स्कोर। हेलो शार्दुल गेंद अक्षत मधुर से खेला है तेजी से रफ्तार से दौड़ते हुए फील्डर को गोल एक रन लेने में कामयाब। मैं चाहूंगा तुषार से थोड़ी बातचीत हो और उनसे थोड़ी कमेंट सुने आसिफ की अगली गेंद सामने में चिरू, चिरू थोड़ा रुको फोन करता हूं 2 मिनट रुको। थैंक यू मुन्ना भैया चेरिको द्वारा बड़ शॉट चेष्टा किंतु जरा फुट बॉस को देखे थिएटर में मुझे भाई भाई दर्शक बंद पूरा खुशी मुझे भाई कर फुट बॉस खेल को देखी ए नानो एति सो 22 बॉल रे 10 रन रो आवश्यकता आसिफ भाई को मो मानिबे को कोई भी काहे की से बहुत सीनियर प्लेयर किंतु इंजरी हेली मध्ये से पूरा निजरा 100% दे बॉलिंग करू छथि आसिफ भाई जने एक्सपीरियंस खेल प्रिय प्लेयर आ
ଅତିଶୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚେରୁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଆସିଫ ଭାଇ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲର, ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେବେନି ମାରିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ଟସ୍ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏମ୍ପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛ ମାରି ଗେମ୍ ଫିନିଶ କର, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହବ। ଛକା ମାରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲେ ସବିବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବିର ଭାଇ ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ଖୁସି ମୁସିଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, ତାଙ୍କର କଜନ ବଦର ଭାଇ ମୁସି ଭାଇ 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 ତ ଖୁସି ପୁରା ଡବଲ। ଟିକେ ଚଷମା ଦେବେ ସାର, ମେହନତ ଦେମେ ମାରିଦେଇ 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 ମେରୁ ପକଡ଼ି ସୁବି ହଁ ବେ
चप्पल मारे एक छक्का एक मारे है उठा दी वहाँ जाओ कैच जीत दी मैच सेफ बुलाएंगे ना क्या ଆମର ଆୱାର୍ଡ ସେରେମୋନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ ସମୀର ଭାଇ ଏବଂ ସବୀର ଭାଇ ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ ଅନୁରୋଧ ଭାଇ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ସବୀର ଭାଇ ୧୧୧ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ଚେସ୍ କରି ଦେଇକି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଆଜିର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି समीर के टीम से कोई भी आएंगे थोड़ी बात करेंगे समीर के टीम से समीर वॉरियर की टीम से समीर लायन तजुर्बेकार मोहम्मद आसिफ या उस्मान भाई कोई भी एक आए आज के मैच में जीत हासिल करते हुए शब्बीर ने पहला लीग मैच जीता अपना दूसरे लीग मैच में और यहाँ पे आ चुके हैं समीर लायंस के उपकप्तान आज आपको बहुत अच्छा खेला इतना अच्छा स्कोर टारगेट करके भी आप पीछे रहे जीतने में कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए पहली बात मुजफ्फर की विकेट और अमीन की विकेट जिसके वजह से वही बाबर आजम का डायलॉग 20-25 रन पीछे रह गए हम दूसरी बात है मुशी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा मुशी को यहाँ के मोहल्ले के लड़के मजाक में लेते हैं लेकिन मैं कई बार ये मैसेज कर चुका हूँ ग्रुप में कि मुशी एक ऐसा प्लेयर है जिस दिन रहा मैच वन साइड ये जिस दिन रहा वो मैच वन साइड ये मुशी को मालूम भी है और मुशी मेरी वहां पे तारीफ भी किया था लेकिन बुराई इस तरफ लगी कि एक ओवर में 3 छक्के मार दिए बहरहाल वेल प्लेड मुशी वो जानता मैच में रहे अगर बॉलिंग अगर बैटिंग में भी नहीं किया तो इंशाल्लाह वो बॉलिंग में कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाएगा और मुशी के बारे में मैं फिर बोलना चाहता हूँ ही इज ए मैच विनर और उसको मजाक करना बंद करें और रेस्पेक्ट करें उसकी और मुशी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो चीजें दो बॉल अगर कहीं लग जाए तो थोड़ा नुकसान देती है एक बाउंसर बॉल एक बड़े बॉल अपने बड़े बॉल को थोड़ा सा नीचे करे ताकि अल्लाह ताला इसको और ऊपर लेके जाए बस इतना कहना चाहूंगा शुक्रिया मोहम्मद आसिफ और मैं दरखास्त करूंगा विनिंग कप्तान शब्बीर से आप आए और खुद बताएं और टीम को कंग्रेचुलेट करें शुक्रिया बहुत बहुत मोहम्मद भाई पहले अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड में रहने वाले सारे ऑडियंस को मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा ऑब्वियसली आज दोनों टीम बहुत ही अच्छी तरह से खेले और यहाँ पे मैं अपनी टीम की बात करना चाहूँगा मैं पहले भी जो आसिफ ने बोल चुका है अभी कि जिस दिन मुश्ताक खेलेगा मैच वन साइड हो जाएगा आज वही मुश्ताक लेकर के दिखाया फिर से हालांकि आज हमारे बॉलिंग में चिरू ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाली 4 विकेट लिए और सादिक ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और बाकी के सारे फील्डर्स ने भी आज फील्डिंग बहुत अच्छी की खास करके नवीन ने बॉलिंग अच्छी की और इमाम भाई ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की और ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस था और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा थैंक यू
और आज के मैन ऑफ द मैच के अवार्ड लेने वाले हैं ख्वाजा मुश्ताक, उनको देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीएमसीए ख्वाजा फीमेल लीग 2023 का सेवन लीग मैच का मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ख्वाजा निजामुद्दीन साहब को मंच पे आए और खिलाड़ी को और ख्वाजा मुश्ताक को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और वो मैन ऑफ द मैच सेनापति स्वामी एंटरप्राइजेस एंड सेनापति डेवलपर्स बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं उन स्पॉन्सर्स का जिसकी वजह से आज ये टूर्नामेंट हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ख्वाजा मुश्ताक से कहूंगा कि दो लोग जो है आप ये मैन ऑफ द मैच पाकर कितने खुश हैं और किस वजह से पाए हैं और इसमें क्या राज है जो आपने आज अपने बल्लेबाजी में इतना बदलाव लाया जीएमसी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया ये टूर्नामेंट करने के लिए इस काबिल था कि मैं मेहनत किया थैंक यू अपने अपने बल्लेबाजी अगले मैच में क्या है चलिए कोई बात नहीं आज यहाँ पे समाप्त होता है पहला मैच और दूसरा मैच शाम को 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा दूसरा मैच एक लीग मैच जो कि सुबह सुल्तान वर्सेस मुन्ना रॉयल राइडर्स के बीच में खेला जाएगा सबसे दरकार से 2 बजे पहुंच जाए और सबसे रिक्वेस्ट है कि ये विंटर सीजन है इसके वजह से बैक आउट होने के चांसेस है इसलिए हमारे गुरु उस्मान भाई ने सबको दरखास्त की है कि आप लोग जल्द से जल्द पहुंचेंगे ग्राउंड पे और 2 बजे हम मैच शुरू करेंगे शाम 2 o'clock सुबह सुल्तान वर्सेस मुन्ना रॉयल राइडर्स